हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि उस दिन मैंने कहा एंटीटिल के बारे में, तो एंटीटिल में क्या है था कि आपको उस दिन बताया था मैंने वर्बली कि क्या क्या होता है, क्या होता नहीं है, ठीक है। तो आज मैं सारे पार्ट्स का आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है, और दिखा रहा हूँ क्या क्या पार्ट्स लगता है और एक एक पार्ट्स का कहाँ कहाँ लगता है, किस किस पोजिशन में लगता है वो भी दिखाएंगे, कनेक्शन कहाँ पर होता है वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भी मैं पार्ट्स को दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद कनेक्शन को भी आपको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देंगे। आज एक कनेक्शन होने वाला है एक गाड़ी में, तो अगर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग दिखा देंगे वो गाड़ी में कहाँ कहाँ क्या क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या होगा कि हम लोग पार्ट्स सब दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइज, हम लोग जैसा कि इसमें हम लोग टेबल में बिछाए हुए हैं, ठीक है, आपको बेहतर दिखाने के लिए, तो क्या क्या है नहीं है मैं आपको एक एक करके सीरियल बाय सीरियल बताते रहूँगा, ठीक है। ये है आपका MCU यूनिट, इसको बोला जाता है यूनिट जो कि सेंस करता है गाड़ी का टील पोजीशन को सेंस करता है, ठीक है। और ये है आपका लोकेटर, MCU लोकेटर, ठीक है, जो कि आपका ड्राइवर को सिग्नल देता है कि गाड़ी किस पोजिशन में है, आपका गाड़ी टिल्ट पोजिशन में है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब टिल्ट पोजिशन में रहेगा तो इसमें दो लाइट दिख रहा है आपको, एक ग्रीन लाइट एक रेड लाइट, तब रेड लाइट जल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपका ग्रीन लाइट हमेशा जलते रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि टिल्ट पोजीशन में है तो फिर आपका रेड लाइट दे देगा, उस टाइम में आपको डाला नहीं उठाना या उठेगा ही नहीं डाला, है ना। और ये आपका हो गया डिवाइस का जो है MCU यूनिट का जो है मदर प्लेट, ठीक है, जिसमें फिट होगा, ठीक है। ये प्लेट है यहाँ पे, इसको ये वेल्डिंग होता है, ठीक है, आपका डाला में वेल्डिंग होगा, ये वाला चीज इसमें फिट होगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक, इसमें फिट होगा, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद वेल्डिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो फिट होगा ये ठीक ड्राइवर के सामने फिट होगा, ठीक है, ड्राइवर के सामने फिट होगा, जो कि इसको लोकेट करते रहेगा ड्राइवर को, ठीक है। और सेकेंड जब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, ये है आपका पैनोमेटिक बल्ब और ये पैनोमेटिक प्लेट, जो कि ये है पैनोमेटिक बल्ब, इसको बोला जाता है एयर लाइन के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एयर आपका डाला जो कि फंक्शन करता है वो एयर लाइन से फंक्शन करता है, ठीक है, आपका PTO से आप जब हाइड्रोलिक फंक्शन को देते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल बल्ब को जाता है, एयर जाता है कंट्रोल बल्ब को, और वही कंट्रोल बल्ब का हवा हाइड्रोलिक के थ्रू से जैक को उठाता है, तो ये क्या करेगा, हवा को रोकेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका टिल्ट पोजीशन में है, ये सेंस कर लिया, सेंस करने के बाद इसको बताया, ठीक है, और यहाँ से जो कनेक्शन जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसमें ये जो पैनोमेटिक बल्ब है इसमें रिले लगा हुआ है, जैसे ये कटआउट होता है, ठीक है, तो एयर लाइन को पूरा ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है। और ये कनेक्ट होता है इसका जो एक तो सिस्टम है ये ठीक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो लाइन जाएगा यहाँ से, ये मेन लाइन और अर्थिंग, दो मेन और एक अर्थिंग जाएगा, ठीक है, वो इसके साथ कनेक्टेड होगा, यानी ये लोकेटर के साथ कनेक्टेड होके, ठीक है, दैट फ्यूज में कनेक्शन जिसमें हम लोग लाइन लेंगे, ठीक है, वहाँ से लाइन लिए, ठीक है, दो कनेक्शन में पावर आ गया, पावर आने के बाद इसमें पावर सप्लाई गया, पावर सप्लाई जाने के बाद और ये कटआउट हो जाएगा, अगर मान लीजिए टिल पोजिशन में है, ठीक है। ये कहाँ का फिट होगा, ये जैसे कि डाला में फिट होगा आपका, ठीक है, ये आपका ड्राइवर के सामने फिट होगा और ये फिट होगा ठीक कंट्रोल बल्ब जो है जिसमें एयर लाइन का कनेक्शन है, ये कंट्रोल बल्ब के साथ इस पाइप के साथ ये थ्रू जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ के फिर जाएगा ये पाइप से कंट्रोल बल्ब से इसमें आ गया, इसमें आने के बाद ये जो आपका जो आपका PTO लीवर है, PTO लीवर से आपका इसमें आएगा, ठीक है, कनेक्शन इससे फिर इसमें से जाएगा कंट्रोल बल्ब में, ठीक है। तो ये है आपका मतलब पूरा एकदम जितना भी स्क्रूज वगैरह जो लग रहा है, ठीक है, और ये देखिए स्क्रूज वगैरह दिया हुआ है जो कि लग रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब जितना भी डिवाइस लग रहा है एंटीटेल में वो सब आपको दिखा दिए हैं। अब कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का कनेक्शन दिखेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाकी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम लोग इतना जो मेहनत करते हैं, ठीक है, कंपनी के बाद भी, कंपनी के काम के बाद भी, जैसे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तब पर भी हम लोग क्या करते हैं कि ताकि आपके पास जानकारी पहुँचे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो
थोड़ा सा लाइक कीजिएगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए किस चीज़ के बेसिस में करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा लाइक देने में आपको कुछ नहीं है, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत जानने के लिए मालूम चले नया डिवाइस है, नया कनेक्शन है, हर गाड़ी में अभी सेफ्टी फीचर्स में नया चीज़ आया है। तो यही चीज़ को आप हम लोग शेयर करेंगे ताकि सबको पता चले क्या होता है एंटी टेल डिवाइस। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।